subscribe to our channel and press the bell icon. Assalamu alaikum aziz tulba talibat jamaate high school grammar marathi vyakaran bhavishyakaal iske bhavishyakaal yani zamane mustaqbil ke video mein aap tamam ka istiqbal hai. हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यकाल. भविष्यकाल के प्रकार यानी ज़माने मुस्तकबिल की किस्में. सादा भविष्यकाल, अपूर्ण चालू भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, रीति भविष्यकाल, चालू पूर्ण भविष्यकाल. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले भविष्यकाल क्या है इसे समझते हैं. भविष्यकाल किसे कहते हैं, इसे ज़माने मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस कहेंगे. क्रिया पदाचार रूपावरण, जेव्हा एखादी क्रिया ही पुढे घडणार आहे याची जाणीव होते तेव्हा त्या काळाला भविष्यकाळ असे म्हणतात. यानी क्रियापद यानी के वर्ब के मामला से जब आप कोई किसी वाक़े को किसी काम को आप मुस्तकबिल में या आगे के ज़माने में होने वाली है इसका एहसास दिलाना चाहते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, भविष्यकाल कहेंगे. उसके उदाहरण क्या है, मी सिनेमा ला जाइल यानी मैं सिनेमा को जाऊंगा, मी शिक्षक बनेल और मैं उस्ताद बनूंगा, मी तुझा कड़े येईन मैं तेरे पास आऊंगा. देखिए येईन जाइल और बनेल ये क्या है, आपको ज़माने मुस्तकबिल यानी भविष्यकाल की तरफ निशानदेही करते हैं. चलिए देखते हैं सादा भविष्यकाल. ज़माने मुस्तकबिल सादा, जेव्हा एखादी क्रिया पुढे घडणार असेल असा बोध होतो अशा वेळी साधा भविष्यकाळ असतो. जब कोई वाक़या आगे होने वाला है ऐसा एहसास होता है, बोध होतो यानी एहसास होता है, उसे साधा भविष्यकाळ कहते हैं. उद्या पाउस पड़ेल यानी कल बारिश होगी. उद्या परीक्षा संपेल यानी कल इम्तिहानात ख़त्म होंगे. मी सिनेमाला जाइल मैं सिनेमा के लिए जाऊंगा. तो पड़ेल संपेल जाइल ये भी क्या है, ये इशारा करते हैं, क्रियापद है जिसे आप फेल कह सकते हैं या वर्ब भी कह सकते हैं. तो ये सादे भविष्यकाल की तरफ इशारा करते हैं. अपूर्ण चालू भविष्यकाल यानी ज़माने मुस्तकबिल जारिया, जेव्हा एखादी क्रिया ही भविष्यकाळामध्ये चालू असेल किंवा पूर्ण झाली नसेल तेव्हा त्याला अपूर्ण भविष्यकाळ असे म्हणतात. जब कोई काम ज़माने मुस्तकबिल में चालू रहता है, जारी रहता है, मुकम्मल नहीं होता तो उसे अपूर्ण भविष्यकाल यानी ज़माने मुस्तकबिल जारिया कहते हैं. मी अंबा खात असेल यानी मैं आम खाता रहूँगा. अब ये शायद ये कंप्लीट मुकम्मल नहीं हो रहा है इसीलिए से मी आम्बा खात असेल ऐसा कहा गया है. मी गाँव वाला जात असेल मैं गांव को जाऊँगा कहने के बजाय जाता रहूँगा. पूर्वी अभ्यास करत असेल यानी पूर्वी अभ्यास करत असेल अभ्यास करती रही होंगी. दीप्ति गाने गाती रही होंगी. तीसरा पूर्ण भविष्यकाल ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मला, जेव्हा एखादी क्रिया ही भविष्यकाळातील असून ती पूर्ण झाल्याची जाणीव झालेली असते तेव्हा त्याला पूर्ण भविष्यकाळ असे म्हणतात. जब कोई काम मुस्तकबिल में मुकम्मल होने के एहसास होता है, जानी होती है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण भविष्यकाळ कहते हैं. जैसा मी आंबा खाला असेल मैंने आम खाया होगा. मी गावाला गेलो असेल मैं गांव को जा चुका होऊंगा. मी आंबा खाला असेल मैं आम खा चुका होऊंगा. पूर्वी ने अभ्यास केला असेल पूर्वी ने स्टडी अभ्यास मश्क कर चुकी होंगी. दीप्ति ने गाने गायले असेल दीप्ति ने गाना गा चुकी होंगी.
चलिए अगला देखते हैं, रीति भविष्य काल या चालू पूर्ण भविष्य काल, जमाना है मुस्तकबिल मुकम्मल जारिया। जेव्हा एखादी क्रिया ही भविष्यात नेहमी घडणारी असेल तर त्याला रीती चालू पूर्ण भविष्यकाळ असे म्हणतात। यानी जब कोई काम पूरी तरीके से मुस्तकबिल में मुकम्मल ना हो लेकिन मुकम्मल होने के बाद भी वो जारी रहे तो उसे क्या कहेंगे, रीति भविष्यकाळ या फिर चालू पूर्ण भविष्यकाळ भी कहते हैं। मी रोज़ व्यायाम करत साइल, मैं रोज़ाना कसरत करता कर चुका रहा हूँगा या करता रहा हूँगा। पूर्वी रोज़ अभ्यास करत जाइल, यानी पूर्वी रोज़ मुस्तकबिल में भी अभ्यास करती रहेंगी। सुनील नियमित शाळेत जाइल, सुनील रोज़ाना रोज़मर्रा स्कूल में मदरसे में जाएगा। चलिए इसी कुछ एक इसकी कुछ मिसालें हैं, हर एक काल की कुछ मिसालें हैं, हम उसे समझेंगे भविष्य काल की। जैसे कि राम राम आंबा खाइल, राम चिंच खाइल, राम बोर खाइल। तो ये क्या है, कौन सा काल है ये? ये खाइल खा सीता आंबा खाइल। पहले इसमें आपने मुजक्कर, दूसरे में मौनस और तीसरे में पाखरू आंबा खाइल, पाखरू चिंच खाइल, पाखरू बोर खाइल। तो यहाँ पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, पाखरू, पहले में राम, दूसरे में सीता, तीसरे में पाखरू, और पहले में आंबा, फिर चिंच और बोर। आंबा यानी आम, चिंच यानी इमली, बोर यानी बेर। तो ये सादे भविष्य काल की तरफ इशारा करते हैं। अगला देखते हैं कौन सा है, राम आंबा खाइल, राम चिंचा खाइल, राम बोरे खाइल। यहाँ पर जो फील है वो जमा में है, सीता आंबे खाइल। देखिए आंबे, चिंचा और बोरे ये क्या बयान कर रहे हैं, ये मुजक्कर मौनस और जो परिंदे का नाम लिया जा रहा है उन तमाम के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पर, फेल आंबे चिंचा बोरे, यानी ये जमा है। राम आनी लक्ष्मण आंबा खातील, राम आनी लक्ष्मण चिंच खातील, राम आनी लक्ष्मण बोर खातील। अब यहाँ पर दो लोगों का बयान है, राम आनी लक्ष्मण, यानी यहाँ पर वाहिद नहीं है, जमा है। और इसमें आंबा यानी आम का इस्तेमाल किया गया, चिंच और बोर यानी ये वाहिद है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल खातील इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, खाएंगे। सीता आनी उर्मिला आंबा खातील, सीता आनी उर्मिला चिंच खातील, सीता आनी उर्मिला बोर खातील, पाखरे आंबा खातील, पाखरे चिंच खातील, पाखरे बोर खातील। अभी आखिरी है, राम आनी लक्ष्मण आंबे खातील। अब यहाँ पर दोनों भी क्या है, दोनों भी फेल भी फाइल भी, यानी कि राम आनी लक्ष्मण ये सब्जेक्ट जिसे फाइल कहते हैं, आंबे ये फेल यानी वर्ब यानी क्रियापद है, ये दोनों भी जमा के सेगे से आए हैं। तो यहाँ पर भी इस्तेमाल किया है खातील, राम आनी लक्ष्मण आंबे खातील, राम आनी लक्ष्मण चिंचा खातील, राम आनी लक्ष्मण बोरे खातील, सीता आनी उर्मिला आंबे खातील, सीता आनी उर्मिला चिंचा खातील, सीता आनी उर्मिला बोरे खातील, पाखरे आंबे खातील, पाखरे चिंचा खातील, पाखरे बोरे खातील। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक